ऐसा निशान मना रहे सब कोई विक्ट्री क्या खिलेगा कमल खिलेगा कमल खिलेगा कमल खिलेगा कमल खिलेगा भारत माता की जय अरे कजनी की महापौर कैसी हो और कजनी की महापौर कैसी हो और कजनी की महापौर कैसी हो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे मिथक तोड़े हैं आज तक। लोग बोलते थे कि केंद्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का आना मुश्किल होगा, अगर आएगी तो गठजोड़ से आएगी ये वो, और जब रिजल्ट आया तो बम्पर रिजल्ट आया और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में जब ये कांग्रेस की कुशासन की सरकार चल रही थी, भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी, तब ये स्थिति बनी कि ये तो पूरा प्रदेश बेच खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि नहीं, प्रदेश को हम बेचने नहीं देंगे, प्रदेश को बर्बाद होने नहीं देंगे, और जो प्रदेश के हित में है वो सब साथ में आए, तो उन्हीं के अच्छे लोग उनको छोड़ के और साथ में आए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में द्रुत गति से लोगों का विकास कर रही है, गरीब कल्याण का काम कर रही है। इसी प्रकार आज महापौर के चुनाव में हम आए और आज के जुलूस और रैली को देख के आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हज़ारों लोग जब घर घर से निकल के आए। आज आपने देखा होगा कोई गाड़ी किसी को नहीं दी गई, सब अपने स्कूटर मोटरसाइकिल पैदल झंडा लेके जहाँ जहाँ से जिस गली से देखो उस गली से लोग निकल रहे थे। तो ये उत्साह अलग दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और महापौर के प्रत्याशी के प्रति, और पूरे 45 वार्डों के जो पार्षद का चयन किया गया वो बहुत सोच विचार करके सबकी राय लेकर जो किया गया उसी का ये सुखद परिणाम है कि आज हजारों लोगों का हुजूम कटनी की सड़कों से एक एक गली से निकल के कलेक्ट्रेट पहुँचा है। और मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आज मेरे शब्द आप लोग इसको जरूर सुरक्षित करके रखिएगा इस टेप को। कांग्रेस के लोग, उनके पीछे खड़े लोग इसका मूल्यांकन करेंगे अब नगर के लोग कि किन लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को लड़ाया है और उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात मूल्यांकन होगा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का, मूल्यांकन होगा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यों का और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारों का, और मूल्यांकन होगा यहाँ के मतदाताओं के लोगों द्वारा किया जाएगा कि हमें स्वच्छ प्रत्याशी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आज संजय पाठक आपके बीच बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी दिया है कि एक पैसा पांच पैसा किसी का नहीं खाने वाला व्यक्ति है। जो बिटिया है ये शिक्षिका रही है, MSc BEd है और बहुत अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित परिवार से शिक्षित बेटी है, और 10 साल का उनका नगर निगम का अनुभव भी है, और सर्वाधिक वोटों से कटनी में पार्षद का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पे है। तो हमारा ये मानना है, मेरे शब्द रिकॉर्ड करिए, वो कितने प्रपंच कर लें कांग्रेस के लोग, कितना झूठ का आडंबर खड़ा कर लें, लेकिन कटनी का महापौर का रिजल्ट 51,000 से एक वोट कम नहीं होगा। 51,000 की लीड से मिनिमम लीड 51,000 की आज बोल रहा हूँ, हो सकता 75,000 की भी लीड हो जाए, हो सकता 90,000 की, कांग्रेस की जमानत जब्त करा के जीतेंगे।